जिस व्यक्ति का पहला कदम गलत पड़ जाए उसका शुरुआत में ही यह तय हो जाता है कि उसकी बर्बादी निश्चित है, उसका सब कुछ खत्म हो जाता है और लास्ट में उसका खेल ही खत्म हो जाता है। 95% लोग, मैं आपको बता रहा हूँ कि 95% लोग ऑटो रिक्शा के बिजनेस को शुरू करते वक्त 5 गलतियों में से किसी एक गलती को करते हैं और पूरी तरीके से बर्बाद हो जाते हैं। उनका पूरा तरीका से बिजनेस प्लान चौपट हो जाता है और अंत में उनका ये हाल होता है कि न वो घर के होते हैं न घाट के, ऐसी स्थिति उनकी हो जाती है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऑटो रिक्शा के बिजनेस में अधिकतर लोग इन 5 गलतियों में से किसी एक गलती को करते हैं और पूरी तरीके से बर्बाद हो जाते हैं। तो इन 5 गलतियों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखते रहिए। गलती नंबर 1, गलत लोकेशन का चयन कर लेना। अब जानेंगे दोस्तों कि गलत लोकेशन क्या होता है। दोस्तों गलत लोकेशन एक ऐसा लोकेशन को हम यहाँ पर टारगेट कर रहा हूँ जैसे वहाँ पर भीड़ भाड़ बिल्कुल ना हो, बिल्कुल सुनसान एरिया हो, ज़्यादा लोग आते जाते ना हो, दिन में कम ही लोग सवारियाँ मिलते हों। अगर ऐसे जगह का चुनाव कर रहे हैं तो आप गलत लोकेशन का चयन कर रहे हैं, इसमें आपकी बर्बादी भी हो सकती है। तो आपको एक ऐसे लोकेशन का चयन करना होगा जहाँ पर भीड़ भाड़ लगातार बना रहे, जैसे मेन मार्केट हो गया, बस स्टॉप हो गया, रेलवे स्टॉप हो गया, जैसे बड़े बड़े जगहों पर आप ऑटो रिक्शा का बिजनेस शुरुआत कर सकते हैं। अगर ऐसे जगह पर शुरुआत करेंगे तो आपको सवारियां भर भर कर मिलेंगी। गलती नंबर 2, बिना किसी अनुभव का डायरेक्ट शुरुआत कर देना। दोस्तों अधिकतर लोगों के मन में यह होता है कि ऑटो रिक्शा का बिजनेस कौन सा बड़ा बिजनेस है, बिना अनुभव को डायरेक्ट शुरुआत कर देते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपको लॉन्ग टर्म तक इस बिजनेस में, ऑटो रिक्शा के बिजनेस में टिकना है तो आपको शुरुआत में ही अनुभव प्राप्त कर लेना है। जब तक आप अनुभव प्राप्त नहीं करेंगे तब तक इस बिजनेस में जल्दी सफल नहीं हो पाएंगे। वो किसी ने क्या खूब कहा है कि जानकारी है 0 की और बात कर रहे हो हीरो की, तो ऐसी स्थिति आपको बिल्कुल नहीं होना है। आपको पहले अनुभव प्राप्त कर लेना है फिर डायरेक्ट ऑटो रिक्शा के बिजनेस को शुरुआत करना है। गलती नंबर 3, यात्रियों से या सवारियों से बहस करना। दोस्तों ऐसी स्थिति में मैं काफ़ी लोगों को देखा हूँ कि ऑटो वाले यात्रियों से बहस करने लगते हैं कुछ किराया को ले दे के कहीं जाने आने से। तो बिल्कुल बहस आपको नहीं करना है, प्यार से काम लेना है और अच्छे से समझाना है। गलती नंबर 4, दोस्तों काफ़ी लोग अपने ऑटो रिक्शा रेंट पर देते हैं और जब रेंट पर देते हैं तो जिसको रेंट पर देते हैं उनकी कोई भी दस्तावेज या डॉक्यूमेंट्स नहीं रखते हैं, छोटी मोटी डॉक्यूमेंट्स रख लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर वो जो लेके जाता है वो भाग जाता है तो उसको खोजने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो आपको चूना भी लग सकता है। तो ऐसी स्थिति में जब अगर आप ऑटो अपना रिक्शा रेंट पर देते हैं यानी कि किराया पर देते हैं तो आपको उसकी, जिसको आप देते हैं, तो उसका सारा डॉक्यूमेंट्स एंड दस्तावेज आपके पास होने चाहिए, तभी आप इस बिजनेस में अच्छे से काम कर पाएंगे। जैसे कि आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, 2 फोटोज और साथ में उसके स्टंप पेपर भी आपको अपने पास रखने होंगे, तभी अगर भाग जाता है तो उसको खोजने में आसानी होगी। गलती नंबर 5, जो लगभग 95% लोगों में कॉमन रूप से देखा जाता है। दोस्तों वे जो होते हैं वो RTO संबंधी जो कार्य होते हैं उनको अधूरे रखते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनके ऊपर चलान भी कट सकता है। दोस्तों चलान से कटने के लिए आपको सबसे पहले RTO संबंधी सारे कार्य कंप्लीट करवाने होंगे, जो भी कार्य होंगे सबको कंप्लीट कराने होंगे RTO संबंधी, तभी आप चलान कटने से बच भी पाएंगे और एक बेहतर बिजनेसमैन कहलाएंगे। तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है, आपको RTO संबंधी सारे दस्तावेज एंड सारे अपडेट्स अप टू डेट रखने होंगे। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने 5 गलतियों के बारे में विस्तार से जाना है, तो आशा करता हूँ कि आपने इस वीडियो के अंदर कुछ सीखा होगा। अगर कुछ सीखा होगा तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर और लाइक जरूर करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका कीमती समय लेने के लिए दिल से धन्यवाद।